वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति स्ट्रगलर ब्लॉग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए मैं छत पर हूँ और आपको लग रहा होगा कि ये शाम है, लेकिन ये शाम नहीं है। यहाँ दो दिन से बारिश हो रही है, इसलिए ऐसा वेदर है। और देखिए कैसा पूरा बारिश भरा हुआ है चारों तरफ, कि पूरी छत पर बारिश भरा। और मेरी छोटी को देखिए, देखिए कैसे कर रही है। वो क्या पहनी है? अपनी दीदी का फ्रॉक। देखिए बड़ी का फ्रॉक पहनी हुई है बारिश में। अब मैं देख रही थी यहाँ की हरियाली, देखिए कितनी हरियाली दिख रही है चारों तरफ, पूरा हरियाली ही दिख रही है फ्रेंड्स, पूरी तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। तो इस हरियाली को देख के और ये बरसात के मौसम को देख कर, मतलब चारों तरफ बारिश ही बारिश है, तो मुझे याद आ गया कि मुझे आज बनानी थी एक रेसिपी, एक ख़ास रेसिपी। चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कौन सी रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज बारिश के सीजन में मुझे यही याद आया था, ये है अरबी का पत्ता, जो अरबी की सब्ज़ी हम लोग खाते हैं। तो देखिए मैंने धो के रखा है, इसे आप कितना भी धोइएगा ना तो इसके अंदर से पानी नहीं हट जाता। देखिए पूरी अच्छी तरह से भींगता नहीं है ये पत्ता, बहुत मज़ेदार लगता है इसे धोना। देखिए कैसे बूंदा बूंदा गिरा हुआ है, देखिए पानी की बूंदे इस पर कैसे गिरी हुई है, इस पर ठहरता ही नहीं है पानी, देखिए एकदम मोती की तरह लग रहा है। तो चलिए पहले इसके हम लोग पकौड़ी बनाएंगे, उसके बाद इसकी सब्ज़ी। अगर हम लोग को पकौड़ी खाना है तो पहले पकौड़ी भी खा सकते हैं सूखा चाय के साथ, और अगर पकौड़ी की सब्ज़ी खाना है तो उसे सब्जी बना सकते हैं। तो हम लोग आज यही बनाएंगे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो मैं इसे अच्छी तरह से धो के रखी हूँ। तो फ्रेंड्स इस अरबी के पत्ते की रेसिपी के लिए मैं इस कटोरी में ले रही हूँ थोड़ी बेसन, इसमें डाल रही हूँ थोड़ी हल्दी, स्वादानुसार नमक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा पानी। पानी हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इसका एकदम थिक बैटर तैयार करना है। तब इसमें हम लोग अच्छा से बैटर तैयार कर लेते हैं एकदम। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला फ्रेंड्स, देखिए इतना थिक हम लोग का बैटर होना चाहिए। इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि जो हमारा बैटर है अंदर, जो बेसन का जितना भी है अंदर गुठला गुठली होगा, वो सारी बाइंडिंग टूट जाए और ये सारा मसाला जो हम लोग डाले हैं वो अच्छा से मिल जाए। हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बनाने के लिए। तो मैं इसे स्लैब पर ही बना रही हूँ, इसलिए स्लैब को मैं अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, इसे साफ़ कर लेते हैं। अब मैं ले रही हूँ ये अरबी पत्ता, इसमें जो सबसे बड़ा पत्ता है मैं वही पत्ता लूँगी सबसे पहले। तो देखिए अरबी पत्ता को मैंने उल्टा करके लिया है, क्योंकि जब अगर सीधा करके लेंगे ना फ्रेंड्स तो ये बहुत चिकना होता है, इसके ऊपर कुछ ठहरता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे उल्टा करके लिया। डंठल देखिए मैंने एकदम प्लेन काटा है, जैसे ये बहुत ऊपर खबर ना रहे, देखिए एकदम प्लेन काटा हुआ है। अब ये जो बैटर है, ये बैटर मैं ऐसे फैला के लगाऊंगी ताकि बैटर जो सारे चारों तरफ से फैल जाए, पूरे पत्ते में मैं ये बैटर लगा दूंगी। तो फ्रेंड देखिए मेरा ये बैटर पूरे पत्ते में लग चुका है। अब कुछ जगह तो मैं कितना भी लगा रही तो लग ही नहीं रहा है, बोले ना ये आप कितना भी लगाना चाहिए कि पूरी जगह पे तो ये स्लिप करता है बहुत ज़्यादा। अब मैं दूसरा नेक्स्ट पत्ता ले रही हूँ जो सबसे बड़ा है। तो देखिए मैं इसको भी उल्टा करके रख रही हूँ इधर साइड से, क्योंकि एक ही साइड से अगर हम लोग रखेंगे ना तो दूसरे साइड से कवर नहीं होगा, इसलिए मैंने दूसरी तरफ से भी ऐसे ही रख दिया है। अब इसके ऊपर भी मैं ये वही बैटर लगा रही हूँ, इसे ही हमें अच्छी तरह से लगाना है। दूसरे पत्ते में भी मैंने लगा लिया है। अब मैं फिर से पत्ता ले रही हूँ, अब इधर साइड डालूंगी और इसमें भी मैंने वैसे ही बैटर लगाऊंगी। और जब ये पत्ता मेरा रेडी हो जाएगा तो फिर इधर साइड से ले लेना है। तो यही प्रोसेस हम लोग को सेम करना है जब तक ये हमारा थोड़ा मोटा ना हो जाए। तो चलिए मैं तैयार करती हूँ इसे फिर से बैटर लगा कर। फ्रेंड्स मेरा सारा पत्ता लग गया है, मैंने बेसन सब में लगा दिया। तो अब मैं इसे रोल करने वाली हूँ। अब इसे रोल कैसे करना है, तो पहले हम इसे रोल करने के लिए मैं दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करके मोड़ रही हूँ, धीरे धीरे करके रोल करना होगा फ्रेंड्स। जैसे कि बेसन वाला लेयर है वो हमारा अंदर चला जाए। देखिए मेरा स्लैब भी कितना गंदा हुआ है, बेसन है जो चारों तरफ से फैल गया। तो कोई बात नहीं, ये तो साफ़ हो जाएगा। तो चलिए हमारा रोल तैयार हो गया। मैंने जो ये अरबी का पत्ता रोल किया है तो इसे अब हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए देखिए स्टीमर नहीं है मेरे पास, तो मैंने इस कढ़ाई में ये पानी को गर्म होने के लिए चढ़ाया और इसमें एक कटोरी डाला, इसमें पानी डाल के, और इसमें डाल दिया एक आलू ताकि हमारा कटोरी ऊपर ना जाए इस वेट के कारण।
और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक जाली। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप इजली कर सकते हैं, तो मेरे पास स्टीमर नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिसके पास स्टीमर भी नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी ये रोल। अब इसे अच्छी तरह से हम ढक देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह से ढक दे रही हूँ ताकि जो स्टीम से हमारा जो पत्ता है वो रोल बनाई हूँ मैं जो अरबी का, अरबी के पत्ते का मैं जो रोल बनाई हूँ अच्छी तरह से पक जाए। देखिए मेरा पक चुका है, अच्छी तरह से स्टीम हो गया है और जो मेरा आलू था वो भी पक चुका है। तो चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ इस प्लेट में। मैं इसमें ऑयल नहीं लगाई थी इसलिए देखिए थोड़ा चिपक गया है। अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, स्टीमर नहीं है और आप इस ढंग से पका रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा तो ये चिपकेगा नहीं। तो चलिए अभी से आ गई है काटने की बारी। मैं इसे पीसेस काट लूंगी। देखिए इतने पतले पतले पीसेस काटना है, हमारा अच्छी तरह से पका है अंदर तक, ऐसे ही हम लोग पीसेस काट लेंगे सारे। मैंने स्टीम किया तो इसके पानी में इसका रस गया होगा पत्ते का, जिसके कारण मेरा कढ़ाई है पानी के कारण देखिए थोड़ा काला हो गया। तो आप जब भी इसमें स्टीम कीजिए कढ़ाई में, क्योंकि ये अल्मूनियम है इसलिए मैंने पानी डाला था तो ये काला पड़ गया था, थोड़ा सा मेरा कढ़ाई गंदा हो गया। तो आप इसमें एक काम कीजिएगा थोड़ी सी इमली या नींबू डाल दीजिएगा तो ये कढ़ाई जो हमारा है थोड़ा सा भी काला नहीं पड़ेगा, बिल्कुल चमकेगा, एकदम चमाचम चमकेगा। जितना ज़्यादा हम लोग साफ़ नहीं कर पाते ना उससे ज़्यादा चमकेगा। तो चलिए मैं कढ़ाई साफ़ कर लेती हूँ पहले। और देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो पीसेस है ये रेडी हो चुका है फ्राई करने को। तो चलिए हम लोग इसको फ्राई करते हैं। इसके लिए हम लोग कर लेंगे पहले कढ़ाई को साफ। क्या दिखा रही है? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बनाई है किस चीज का? देखिए पेंसिल में क्या डाली है, पेंसिल में ये मखाना डाली है, मखाना डाल के इसे लॉलीपॉप बना रही है। नहीं एड्रेस चेंज हो गया फिर से तुम्हारा, अभी दूसरा पानी थे अभी दूसरा। ठीक है चलो मम्मा काम कर लेती है। यहाँ पे तेल डाला है इसे फ्राई करने के लिए पीसेस को। यहाँ तेल मेरा गर्म हो रहा है, देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डालती हूँ सारे पीसेस। ये हम लोग का गया फ्राई होने के लिए और मेरा पीसेस थोड़ा छोटा छोटा बना है क्योंकि मेरे पास पत्ते थोड़े कम थे तो मेरा रोल बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हुआ। आप चाहिए तो इससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा रोल मोटा कर सकते हैं। हाँ लेकिन मेरा रोल थोड़ा पतला था तो ये थोड़ा कम समय में ही पक गया। चलिए इसे मैं डीप फ्राई करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए एक साइड से मेरा गोल्डन हो चुका है तो अब मैं इसे पलट दे रही हूँ। तो दोनों साइड से मुझे ऐसे ही गोल्डन करना है सारे पीसेस को, ये अच्छी तरह से ताकि फ्राई हो जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है हम लोग का। और जब आप अपने गेस्ट को इस तरह से फ्राई किए हुए जब ये अरबी के पत्ते के रोल खिलाएंगे ना तो आपसे गेस्ट भी पूछेंगे कि किस चीज़ का बनाया हुआ है। ये इतना स्वादिष्ट लगता है चाय के साथ में तो इसे हम पकौड़ी के रूप में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसके बना रही हूँ सब्जी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गया है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से सारे फ्राई हम लोग ये सब पीसेस भी कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए मेरे जो अरबी के पकौड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं और मैंने कढ़ाई में फिर से वापस डाला है तेल क्योंकि मुझे अब बनाना है इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये मसाला, यहाँ पे लिया थोड़ी सरसों लहसुन और ये लाल मिर्च, तीन लाल मिर्च लिया है मैंने क्योंकि मुझे अपने बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना है। तो आपको जितना लेना है आप उतनी मिर्च अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए इस मसाले को हम लोग पीस लेते हैं पहले। फ्रेंड्स ये मसाला मेरा रेडी हो चुका है पिसा के, तो मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। और देखिए यहाँ मेरे जो तेल है ये भी गर्म हो चुका है तो मैंने तो यहाँ फ़ोरन में रखा है सरसों, मैं इसे डाल दे रही हूँ कि मेरा तेल गर्म हो चुका है। मेरा जो सरसों है वो चटकने लगा है, ये सरसों चटक चुका है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ मसाला।
और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारा मसाला वो जले नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मसाले को हम लोग अच्छी तरह से भूनते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये मसाला भुना चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। देखिए मेरा तेल सेपरेट हो गया है, ये हमारा मसाला जो है ये भुना चुका है। हमारा जो मसाला है फ्रेंड्स वो ग्रेवी के लिए रेडी हो चुका है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। देखिए जो हमारा जो ग्रेवी है ये रेडी हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सारे पीसेस। सारे पीसेस मैं एक एक करके डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं सारे पीसेस डाल चुकी हूँ, अब 5 से 10 मिनट मैं इसे पकाऊंगी। 5 से 10 मिनट में हमारा जो सब्जी है वो रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए हमारे मसालेदार ग्रेवी वाले पकौड़े रेडी हो चुके हैं, तो मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। इसे रोटी के साथ खाइए तो सबसे ज़्यादा रोटी के साथ ही, मुझे तो सबसे ज़्यादा रोटी के साथ टेस्टी लगता है, और इसे चावल के साथ भी अच्छा ही लगता है। लेकिन हाँ, मेरी पसंद तो रोटी के साथ ही है, मुझे इसके साथ ही रोटी ज़्यादा पसंद है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और ये अभी बरसात के सीज़न में ही मिलती है, क्योंकि जो हमारा अरबी है अभी ही होता है, जिसका अभी इसका पत्ता कोमल कोमल अच्छा मिलता है।